ऐसे योगी जिन्हें प्राप्त थी आठों सिद्धियां, छोटी सी उम्र में जिन्होंने कई देशों का कर लिया था भ्रमण, जयपुर के एक ऊंचे घराने में जन्मे पर फिर भी सब कुछ त्यागा और बन गए योगी। आइए जरा हटके के इस वीडियो में जानते हैं संत श्री योगेंद्र जी शीलनाथ जी महाराज के बारे में। जरा हटके जयपुर राजघराने के आश्रित एक ऊंचे घराने में जन्मे शीलनाथ जी को बचपन से ही खिलौने, खाना पीना, रुपए पैसा आदि भौतिक विषयों में रुचि नहीं थी। बालक शीलनाथ ने घर त्याग कर पंजाब में हांसी हिसार जिले में सुल्तानपुर ग्राम में श्री गोरख संप्रदाय के मठ अखाड़े में योगेश्वर इलायचीनाथ जी के सानिध्य में पहुंच गए और कान फड़वा कर नाथ संप्रदाय की दीक्षा ग्रहण कर ली। नाथ संप्रदाय के मूल पुरुष भगवान शंकर है। नाथ संप्रदाय में योगी होना अत्यंत कठिन मार्ग पर चलना है। सन 1839 में संत इलायचीनाथ जी से दीक्षा लेने के कुछ ही दिनों बाद शीलनाथ जी हाथ में धुनी की अखंड ज्वलन शील लकड़ी लिए देश विदेश में भ्रमण के लिए निकले। छोटी सी उम्र में शीलनाथ जी महाराज ने पंजाब, पेशावर, काबुल, कंधार, ईरान, चीन, बर्मा आदि देशों का भ्रमण किया। यह काल 1839 से 1844 के बीच का है। सद्गुरु शीलनाथ जी की कठोर तपस्या के फलस्वरूप उन्हें अष्ट सिद्धियां प्राप्त हुई। सद्गुरु शीलनाथ जी ने आम जनता के बीच अपने जीवन के उत्तरार्ध में लगभग 70 वर्ष होने पर ही उपस्थिति दी, जब वे मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के मक्सी नगर के ग्राम तराना में धुनी रमाए थे। उस समय देवास सीनियर रियासत के तत्कालीन जज साहब बलवंत राव बापू जी उन्हें देवास ले आए, जहाँ रानी बाग में उनके धुनी की व्यवस्था कर दी गई। सतगुरु की धुनी यहाँ आज भी विद्यमान है। यहाँ पर पहली बार देवास जूनियर नरेश मल्लाराव पवार तथा उनके बंधु खासे साहेब को गुरुजी के प्रथम दर्शन हुए। एक स्थान पर कायम निवास न करने वाले शीलनाथ जी का देवास के आसपास जहाँ विचरण हुआ वे स्थान हैं ग्राम नागदा, टिगरिया, जलोदा, राजोदा, बड़ी चुरलाय, नेवरी, भोरासा, सारंगपुर, शुजालपुर, तराना, आलोट, ओंकारेश्वर, त्रिवेणी, उज्जैन आदि। उज्जैन निवास के पश्चात सतगुरु अपने दीक्षा स्थल अर्थात सुल्तानपुर गुरुद्वारे में गुरु इलायचीनाथ जी की समाधि पर 3 वर्ष तक रहे। सन 1911 में देवास जूनियर नरेश मल्हार राव जी महाराज तथा उनके बंधु खासे साहेब पवार सुल्तानपुर गए और सतगुरु शीलनाथ जी महाराज को देवास आने की प्रार्थना कर अपने साथ देवास मध्य प्रदेश ले आए। सतगुरु ने 1911 से 1920 तक देवास मध्य प्रदेश में श्री मल्हार स्थित धुनी पर निवास किया, जो तीर्थ स्थल के रूप में परिवर्तित हो गया। सतगुरु शीलनाथ जी की तपस्या का मार्ग निर्मल आध्यात्मिक आत्मिक उन्नति का मार्ग था। अनवरत तपस्यारत गुरुदेव ने कठिन तप से सभी आठों प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की थी, परंतु उनका प्रदर्शन करके स्वयं का प्रचार नहीं किया। जनश्रुति है कि बाबा अपनी बावड़ी की गुफा में जाकर गायब हो जाते थे और फिर सीधे हरिद्वार में स्नान कर पुनः उस गुफा में प्रकट हो जाते थे। कई बार शहर के प्रतिष्ठित लोगों ने उन्हें हरिद्वार में स्नान करते देखा भी है, जबकि यह उनका रोज का नियम था। 20वीं सदी के पहले 2 दशकों के कालखंड में सैकड़ों लोग सतगुरु के ऐसे प्रसंगों के साक्षी रहे हैं। सन 1920 में गुरुदेव शीलनाथ लगभग 95 वर्ष के हो गए थे। यही वो समय था जब गुरुदेव ने समाधि लेकर परमात्मा में विलीन होने का निर्णय कर लिया। 1920 में ऋषिकेश में शिवरात्रि के दिन गुरुवार को गंगा स्नान कर गुरुदेव ध्यान में बैठे। इसी समाधि अवस्था में शाम 5:55 पर सद्गुरु की जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो गई। सद्गुरु के निर्वाण के अनेक वर्षों के उपरांत नए नरेश खासे साहेब पवार ने ऋषिकेश में उनके समाधि स्थल पर एक छोटी परंतु सुंदर समाधि का निर्माण किया। ऋषिकेश स्थित गुरुदेव की यह समाधि उनके सभी भक्तों के लिए अत्यंत श्रेष्ठतम तीर्थ है। दोस्तों, भारतवर्ष में योगेंद्र श्री शीलनाथ जी को उन्हें जानने वाले भक्तों के मन में अनन्य साधारण स्थान है। देवास स्थित उनकी यही धुनी उनके सभी असंख्य भक्तों की आस्था का केंद्र है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा और जाना संत श्री योगेंद्र शीलनाथ जी महाराज के बारे में। ऐसे ही अन्य रोचक जानकारी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल जरा हटके को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें।
जरा हटके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी करिए और सुनिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले जरा हटके।